आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि आप अपना मकान नंबर पता करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की होता है कि मकान नंबर जो स्लिप लगाई जाती थी पहले मकान के बाहर, तो वो नहीं लगी होती है, और कभी-कभी आपको मकान नंबर नहीं पता होता है, या आपके यहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं उनको नहीं पता होता है, तो आप अपना मकान नंबर कैसे पता कर पाएंगे? मकान नंबर पता करने के लिए आप गूगल पे जाके टाइप कर लें NVSP, जो वोटर की वेबसाइट है उसको आप क्लिक कर लें, और ये हम NVSP के पोर्टल पे पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है इलेक्ट्रॉल जो रोल होता है आपका, यानी कि जो पर्ची होती है जिसमें सभी घरों के जो मतदान करते हैं उनकी लिस्ट होती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉल रोल PDF यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट कर लें जिस भी स्टेट से आप हैं, सभी स्टेट के जो डाउनलोड होने हैं वो यहीं से आप मकान नंबर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जैसे मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये पहुँचा दिया इन्होंने मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है फाइनल इलेक्टोरल रूल्स 2022, यहाँ पर जाएंगे जनरल ऑप्शन पे। जनरल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट करनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी असेंबली लगती है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो कैप्चा आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, देन कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लोड होने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा पोलिंग स्टेशन नेम, जो भी मतदान केंद्र का नाम है वो यहाँ दिखाई देगा। तो जो भी आपके एरिया का नाम है आप यहाँ पर सर्च कर लें कि आप किस एरिया से हैं, और उसके सामने वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यू पे क्लिक किया है, यहाँ देखो व्यू ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपके पास PDF जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देने लगी है। अभी यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले तो जो पोलर बूथ है उनके जहाँ पर मतदान होता है उनके सारे जो नक्शे हैं और फ्रंट व्यू है वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सभी लोगों की पर्ची दिखाई देने लगेगी, और इस पर्ची में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रह संख्या, ये सभी में लिखा हुआ है ग्रह संख्या ग्रह संख्या। तो आप अपना नाम यहाँ पर खोज सकते हैं, और साथ ही आपके नाम के साथ साथ आपकी ग्रह संख्या भी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये आसान तरीका है जिसके माध्यम से आप अपना हाउस नंबर यानी कि ग्रह संख्या खोज सकते हैं।